हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर। सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की, और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। मतलब जितने भी राजाओं ने रूल किया, कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, वो हम सब पढ़ेंगे इसमें। इट्स अ पार्ट फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी कन्फ्यूजन होंगे रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग हम बात करेंगे पहले इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी, तो जो कश्मीर जो है ये एक टाइम पे, मतलब कश्मीर की जो जगह है एक टाइम पे यहाँ एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, और कहा जाता है कि पहाड़ों के धंसने से वो जो पानी था वो सारा बह गया और फिर वहाँ पर एक रहने लायक जो जगह थी वो बनी। ठीक है, ये कहानी एक पुरानी कहावत है कश्मीर के ऊपर। सो अब हम पढ़ेंगे वो सभी चीज़ें जो बुक में लिखी हुई हैं, वो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ कि मोस्ट पॉपुलर लेजेंड कश्मीर वैली जो है बेसिकली वो एक बहुत बड़ी लेक थी जिसका नाम था सती सर। ठीक है, मतलब पाउंड ऑफ गॉडेस सती। ओके, सो एज मेंशन इन राज तरंगिनी अनिमित पुराण। ओके, सो एज यू नो कि पुरानी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके साथ कोई ना कोई कहानी बनी हुई होती थी। ठीक है, बट वो कहानी बेसिकली क्या है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, सो इसी तरह से आप जब पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर तो वहाँ पर भी एक सुंदर सी कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो खैर मैं बता दूँ, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राज तरंगिनी और निर्मित पुराण में क्या लिखा हुआ है कि एक राक्षस था जिसका नाम था संग्रास्त्र सूर, कुछ इस तरह से नाम था उसका। तो वो एक्चुअली उसने एक गॉडेस को देखा था, तो उनको देख के, उनकी सुंदरता को देख के उनका एक सीड जो है वो पानी में गिर गया, और उसके बाद पानी में एक बच्चा, एक बोना बच्चा जो है वो पैदा हुआ। तो वहाँ के जितने भी कश्मीर के जो ट्राइबल्स उस टाइम पे रहते थे उन्होंने उस बच्चे को उठाया, देन उसके बाद उसका पालन पोषण जो था वो करना शुरू किया, और आफ्टर दैट जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो एक खूनखार राक्षस बन गया। ठीक है, और उस बच्चे का नाम दिया था जलदोबा, मतलब जल से पैदा हुआ। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ उसने वहाँ के लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, बेसिकली वो मतलब उनको खाना, लोगों को खाना शुरू कर दिया वो राक्षस था। सो दैट्स वाई उसके बाद मतलब लोगों ने तंग आके अप्रोच किया मतलब सेज को, जो भी साधु होते थे उस टाइम पे, कि हमें इस प्रॉब्लम से निकालो। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, उस टाइम पे एक कश्यप से बहुत बड़े साधु थे, कश्यप साधु जो कि ग्रैंडसन थे ब्रह्मा के, तो उन्होंने बहुत लंबी तपस्या के बाद बेसिकली क्या किया कि वहाँ पर जो भी मतलब पहाड़ थे उनको चीर दिया, और फिर वहाँ से जो था वो पानी बह गया, वो ड्राई हो गया, और जिस वजह से वो जो राक्षस था वो मर गया। ठीक है, मतलब जो लेक थी वो मतलब बिल्कुल सूखी हो गई, जिस वजह से वो जो राक्षस था वो ख़त्म हो गया। सो इस तरह से ये एक कहानी जुड़ी हुई है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के साथ स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब कोई भी एग्जाम क्वेश्चन में नहीं आता। ओके, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद कहा जाता है कि कश्यप ऋषि ने मतलब जितने भी ब्राह्मण्स थे, जितने भी ब्राह्मण ऋषि जो रहते थे इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस पे, उन्होंने उनको बुलाया और कश्मीर में उनको मतलब उनको इम्पोर्ट किया, बुलाया। देन उसके बाद वहाँ की जो उसका आज जो कश्मीर का नाम है ना बेसिकली वो कश्यप ऋषि के ऊपर, कश्यप ऋषि के नाम के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले नाम था कश्यपुरा, फिर कश्यमार, देन उसके बाद आज के टाइम पे से कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कश्मीर नाम जो है ये किन के नाम से लिया गया। ठीक है, तो ये कश्यप ऋषि के नाम पे आपका जो कश्मीर है वो नाम पड़ा हुआ। उसके बाद एक्चुअली कश्मीर एक संस्कृत वर्ड है बेसिकली, और इसका मीनिंग क्या है, का मतलब होता है वाटर और शमीरे का मतलब होता है ड्राई अप। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है मतलब इसका फुल मीनिंग जो है वो है ड्राई अप लैंड कश्मीरा का। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि निर्मित पुराण में ये लिखा गया है कि वहाँ के जो लोग थे कश्मीर के वो नागा ट्राइबल्स थे। ठीक है, जो सांपों की पूजा करते थे उस टाइम पे, और मैक्सिमम पहाड़ों पे और बाकी जितने भी लेक्स हैं वहाँ पे रहते थे। ओके, सो अब हम बात करते हैं मेन रूलर ऑफ कश्मीर की। ओके, तो यहाँ से मेन कहानी जो है वो शुरू होती है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। तो फर्स्ट किंग जो है कश्मीर के वो है गोनंदा वन।
मतलब अकॉर्डिंग टू कल्हाना गोनंदा वन वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द कश्मीर. ओके, और जो जिन्होंने जिनका रूल जो रूलिंग पीरियड जो था वो था 653 कली, विच इज़ नियर अबाउट 3000 BC, मतलब 3000 BC में उस टाइम पे शासन जो है उन्होंने स्टार्ट किया था. और बेसिकली वो राज दर्श जरासन के रिलेटिव थे, और गोनंदा वन ने इनके मतलब इनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी मथुरा में अगेंस्ट कृष्णा, बट वहाँ पर इनकी डेथ हो गई. फिर गोनंदा के बाद इनका बेटे जो थे दामोदर, और वो गद्दी पे बैठे कश्मीर की, और फाइनली दामोदर की भी डेथ हो गई कृष्णा के हाथों, और इन द नेबरिंग टेरिटरी ऑफ गंदारा. ओके, सो उसके बाद कृष्णा ने क्या किया, गोनंदा की जो प्रेग्नेंट वाइफ थी यशोमती उनको गद्दी पे बिठाया, ठीक है. एंड आफ्टर दैट जब उन्होंने बेटे को एक जन्म दिया, तो फिर उस बेटे को जिनका नाम था गोनंदा सेकंड, उनको सिंहासन पे बिठाया. ओके, सो गोनंदा के बाद इनके शासन के बाद पांडवाज का जो रूल है वो स्टार्ट हुआ, और अराउंड 35 किंग्स ऑफ पांडवाज ने मतलब रूल किया कश्मीर पे उस टाइम पे, ठीक है. और कहा जाता है कि जो एंशियंट टेम्पल है शंकराचार्य हिल, वो एक सैंडी मैन जो कि वन ऑफ दी पांडवा किंग थे उन्होंने बनाया है, ठीक है. और जो फर्स्ट पांडवा किंग थे वो थे हरंत, जो कि सन थे किसके, परीक्षित, और वो थी ग्रैंड सन ऑफ अर्जुना, राइट. तो उसके बाद वन ऑफ दी पांडवा किंग ऑफ कश्मीर वाज सुंदा, ठीक है. और सुंदा मती नगर को इन्होंने बिल्ड किया था उस टाइम पे, बट हुआ क्या उसके बाद वो सबमर्ज हो गया ड्यू टू अर्थ क्यूब, और इस चीज़ की वजह से अर्थ क्यूब की वजह से बुलर लेक का जो बुलर लेक जो थी वो क्रिएट हुई, ठीक है. नेक्स्ट पांडवास के बाद जो जिनका रूल आया वो थे सीरियस, इनका रूल रूलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ, मतलब इन्होंने रूल करना शुरू किया, और इनका रूलिंग पीरियड जो था वो 558 BC से लेकर 530 BC तक इन्होंने रूल किया. और द फाउंडर ऑफ पर्शियन एम्पायर, इन्होंने अपना जो रूल था वो हिंद कुश और गंदारा तक इन्होंने एक्सपैंड किया. बट लिटरली लेटर ऑन क्या हुआ, जब अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया इन 326, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि अलेक्जेंडर ने इन्वेट कब किया था, ये मैंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू में भी आपको बताया था, ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ, पर्शियन का जो कंट्रोल था इन पार्ट्स ऑफ इंडिया धीरे धीरे वो लूज होना शुरू हुआ. एंड आफ्टर जब मतलब अलेक्जेंडर इन्होंने इंडिया छोड़ा, तो कश्मीर जो था कश्मीर में उस टाइम पे रूल था अभी सरा का, ठीक है. तो सीरीज के बाद मौर्यास का शासन शुरू हुआ, और जिसमें अशोका जो है इज द फर्स्ट किंग दैट हैज अ जेन्युइन हिस्टोरिकल बेसिस. सो ऑल यू नो अबाउट अशोका, तो इनका जो इन 3 सेंचुरी मतलब 250 BC में किंग अशोका जो थे इन्होंने कश्मीर को जीता, और वहाँ पर बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया. बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन आए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज़्म इन कश्मीर, सो दैट वाज अशोका किंग. ओके, तो उसके बाद अशोका के बाद इनके बेटे जालुका उन्होंने सक्सीड किया, वो बैठे गद्दी पे, और उन्होंने हिंदुज़म को रिस्टोर किया फिर से वहाँ पे. बेसिकली ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर. एंड जुलुका के बाद दामोदर सेकंड जो थे उनके बेटे वो गद्दी पे बैठे. ओके, सो मौर्यास के बाद शासन स्टार्ट हुआ कुषाण का. तो कुषाण में जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे कनिष्का, ठीक है. इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये और इन्होंने बेसिकली 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को जो कि कुनाल वाना में इन्होंने रखी थी उसको इंटरवेन किया था वहाँ पर, सॉरी कन्वेन किया था वहाँ पे, मतलब कहते हैं ना एकत्र करना हिंदी में कहते हैं, और हाँ सॉरी अब इंग्लिश में इसको गैदरिंग यू कैन से, ठीक है. मतलब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को इन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, बनाया था, और इसी काउंसिल में बुद्धिज़्म के दो सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था बुद्धिज़्म उस टाइम पे, एक महायना और दूसरा हीनायना. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है. बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कहाँ पे हुई थी, वो थी कुनाल बना में, और किसने करवाई थी, वो थे कनिष्का, ठीक है. तो कुषाण के बाद गोनंदा डायनेस्टी, ये फिर से आगे बेसिकली मतलब कुषाण के डिक्लाइन के बाद, मतलब जैसे ही कुषाण का राज्य जो था वो धीरे धीरे मतलब ख़त्म हुआ, उसके बाद लोकल लोग थे जो वहाँ के
उन्होंने फिर से सॉवरेंटी जो थी वहाँ की गेन कर ली और रूलिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी। ठीक है, सो व्हेन गुप्ताज रूल्ड रेस्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब जब गुप्ता रूल कर रहे थे इंडिया पे, तो कश्मीर उस टाइम पे इंडिपेंडेंट स्टेट थी। तो गुप्ता अंपायर के फॉल होने के साथ साथ कश्मीर जो था वो हंस के हाथों में चला गया। ठीक है, और देन उसके बाद स्टार्ट हुआ हंस रूल। तो हंस ने क्या किया, इनका जो इन्होंने वैली पे अपना जो कंट्रोल है वो गेन किया इन 6th सेंचुरी। ओके, और इनमें से जो मोस्ट रिमेम्बरेबल जो किंग है वो थे महीर कुला, जो कि बहुत ही खतरनाक, यू कैन से मतलब इतने खतरनाक राजा था। वो बेसिकली शिविज्म को फेवर करते थे, उन्होंने बहुत सारी श्राइन्स बनाई शिवा की श्रीनगर में। ओके, सो बाकी अदर जो किंग थे डायनेस्टी के, इस डायनेस्टी के वो आ गया आपका बाका, नाराक्षर, गोपालादित्य। ठीक है, ये सारे हैं। खैर इनके नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लास्ट वाला नाम याद रखना ज़रूरी है। तो लास्ट वाले कौन थे, युधिष्ठिरा। ठीक है, युधिष्ठिरा बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा ओप्रेसिव रूलर थे, मतलब एक लास्ट लास्ट रूलर थे, और फाइनली मतलब इनके एक मिनिस्टर ने इनको भगा दिया। ठीक है, और देन उसके बाद, हंस के बाद स्टार्ट हुआ उज्जैन डायनेस्टी। ठीक है, और उज्जैन डायनेस्टी विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। ठीक है, अब इसमें आफ्टर युधिष्ठिरा प्रताप आदित्य जो थे अ किंग ऑफ इंडिया, जिनका रिलेशनशिप था किनका, हर्षवर्धन हर्ष विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन के साथ इनका लिंक था किनका, प्रताप आदित्य का। ठीक है, फिर इनको ऑफर किया, मतलब प्रताप आदित्य को उस टाइम पे फिर किंग बनाया। एंड प्रताप आदित्य के बाद जयिंद्रा जो थे वो राजा बने। आफ्टर जयिंद्रा दिस डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाय हिज मिनिस्टर नेम समधिमति। जयिंद्रा के बाद समधिमति जो ये इनके मिनिस्टर थे वो उन्होंने सक्सीड किया, वो बैठे और उनको एक टाइटल दिया गया, वो था आर्य राजा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हु अज्यूम द टाइटल ऑफ आर्य राजा, यहाँ समधिमति को कौन सा टाइटल दिया गया। ओके, सो कल्हाने के अकॉर्डिंगली समधिमति जो थे वो भी, ही वॉज ऑल्सो द डिपोट ऑफ शिवा, राइट। देन उसके बाद गोनंदा फैमिली अगेन, देखो उज्जैन के बाद गोनंदा फैमिली जो थी वो फिर से आ गई, और कहा जाता है कि करकोटा डायनेस्टी के शुरुआत होने से पहले गोनंदा डायनेस्टी ने कश्मीर को सिर्फ दो नोटेबल रूलर्स दिए, एक थे मेघावना और दूसरा थे परवरसेन। मेघावना जो थे वो ग्रैंडसन थे किसके, युधिष्ठिरा के, और जो इन्फ्लुएंस हुए थे बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म से, और इसी चीज़ इसी इन्फ्लुएंस की वजह से उन्हें बहुत सारी बिहार हो गई वो उन्होंने बिल्ड की, और ये फर्मली सपोर्ट करते थे, बिलीव करते थे अहिंसा पे। और इन्होंने मतलब अपने टाइम पीरियड में मतलब जो एनिमल्स लेटरिंग करते हैं ना रिचुअल्स के लिए, मतलब उनको उन सब पे बैन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इनकी क्वीन थी अमृत पवा, उन्होंने अमृत भवन का निर्माण किया, मतलब बिल्डअप किया। ठीक है, तो थ्रोन ऑफ कश्मीर वॉज देन ऑक्युपाइड अ किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन, ही वॉज द देन उसके बाद विक्रमादित्य जो थे उज्जैन के, उन्होंने रूल करना शुरू किया। बहुत ही काइंड रूलर थे, उन्होंने पीस मेंटेन किया वहाँ पे और लोगों की गुडविल को जीता, और 5 साल रूल करने के बाद उन्होंने रिटायर कर दिया अपने बेटे की खातिर, जिनका नाम था प्रवरसेना 2 ऑफ कांगड़ा। ओके, तो बेसिकली प्रवरसेना ने श्रीनगर सिटी को फाउंड किया, इज द फाउंडर ऑफ श्रीनगर। ठीक है, उनका नाम पहले जो नाम था वो था प्रवर सेना नगर, देन उसके बाद अब श्रीनगर उसको कहा जाता है। तो प्रवर सेना ने 60 साल तक रूल किया, देन उसके बाद युधिष्ठिर 2 ने उनको सक्सीड किया, और बालादित्य जो थे वो लास्ट किंग थे इस डायनेस्टी के। उसके बाद उन्होंने, बालादित्य ने मैरिज की दुर्लभवर्धना की बहन के साथ। ठीक है, और देन जैसे ही शादी की उसके बाद ये जितना भी रूल था वो सारा नगर कोटा डायनेस्टी को उनके हाथों में चला गया, और उसके बाद शुरुआत हुई आपकी करकोटा डायनेस्टी की, जिसको नागा डायनेस्टी भी बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दुर्लभवर्धना जो है ही वॉज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी, और करकोटा डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड था वो 625 AD से लेकर 661 AD तक रहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है करकोटा डायनेस्टी। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ह्यून सेंग एक चाइनीज पिलग्रिम थे, और इनके शासनकाल में ये इन्होंने इंडिया में विजिट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि ह्यून सेंग ने कौन से, मतलब किन के शासनकाल में, किन के रूलिंग पीरियड में इन्होंने विजिट किया था कंट्री में। ओके, तो
तो दुर्लभादित्य के बाद प्रतापादित्य आ गए, जो कि बेटे थे दुर्लभादित्य के। और उसके बाद मतलब प्रतापादित्य के बाद इनके तीन बेटे थे जिन्होंने इनको सक्सीड किया, मतलब प्रतापादित्य की डेथ के बाद इनके तीनों बेटों बारी बारी करके इन्होंने रूल किया। तो पहला जो था वो थे चंद्रपीडा, ही वॉज अ काइंड रूलर यू कैन से। उसके बाद तारापीडा, ये बहुत ही क्रूर बंदा था। उसके बाद आता है मुक्तापीडा। तो मुक्तापीडा का जो शासन मतलब टाइमिंग रूलिंग पीरियड था वो था 724 AD से लेकर 760 AD तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, मुक्तापीडा को ललित आदित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, और क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। तो फाइनली मुक्तापीडा मतलब ललित आदित्य जो थे वो ग्रेटेस्ट किंग थे करकोटा डायनेस्टी के, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, पंजाब के तिब्बत जितने भी नियर बाय टेरिटरीज थे इन्होंने सबको जीत लिया। उसके बाद इन्होंने मतांड, एक फेमस टेम्पल है जो इन्होंने बिल्ड किया और उसको मतलब सूर्य देव को डेडिकेट कर दिया। उसके बाद मतलब इनको बहुत सारी लड़ाइयों के लिए, लड़ाइयाँ जीतने के लिए इनको याद किया जाता है। उसके बाद इनके बाद जयपीड़ा जो कि ग्रैंड सन थे ललित आदित्य के, वो रूल में आए, मतलब उन्होंने रूल करना शुरू किया। एंड उसके बाद यू कैन से कि यही एक मतलब जय जयपीड़ा जो है यही एक कैपेबल रूलर था इस डायनेस्टी का आफ्टर ललित आदित्य, ठीक है। इन्होंने जयपुरा और अंदरकोट फोर्ट इसका निर्माण किया, मतलब इसको स्टार्ट किया। और ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स ऑफ करकोटा डायनेस्टी, लास्ट 50 मतलब जो भी 50 साल रहे लास्ट के, उस टाइम पे कोई भी स्टेबल रूलर नहीं रहा कश्मीर में, जिसकी वजह से कश्मीर, ये जो डायनेस्टी थी करकोटा डायनेस्टी, ये ख़त्म हो गई और कश्मीर का जो रूल था वो उत्पाला डायनेस्टी के हाथों में चला गया। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे उत्पाला डायनेस्टी। तो उत्पाला डायनेस्टी की जो शुरुआत थी वो थी 1855 AD से लेकर 1003 AD तक इनका रूलिंग पीरियड जो था वो रहा। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फाउंडर की, तो अवंती वर्मन जो थे ही वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी, ठीक है। और अवंती वर्मन बेसिकली अवंतीपुरा के फाउंडर थे, ठीक है, मतलब ये डायनेस्टी के भी यही फाउंडर थे, इन्होंने फाउंड किया था साथ में अवंतीपुरा को। और बेसिकली अवंती वर्मन को एक बहुत ही वंडरफुल काम के लिए याद किया जाता है। बेसिकली इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ज़्यादा काम किया था वैली में, ठीक है। और देन उसके बाद इनके जितने भी इंजीनियर सेज थे, ठीक है, और एक का नाम था सुआ नाम था, जिन्होंने सोपुर को फाउंड किया था, ठीक है, तो प्रेजेंट डे सोपुर है, उसको सुया नाम के एक सेज ने फाउंड किया था। ओके, सो फाइनली अवंती वर्मन की डेथ हुई थी जून 883 AD में, और अवंती वर्मन के बाद उनके बेटे शंकर वर्मा ने उनको सक्सीड किया, मतलब शंकर वर्मन फिर गद्दी पे बैठे। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी साउथ नॉर्थ में अपने किंगडम में। और यू कैन से कि उसके बाद लेटर डेज में जो रूल था किंग का वो टर्न हो गया टुवर्ड डार्क साइड यू कैन से। बिकॉज उस टाइम पे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे, मतलब लोगों से क्या किया कि मतलब चोर बाजारी कुछ इस तरह से पड़ गई कि लोगों ने लोगों से पैसे पूसे छीनना शुरू कर दिए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक एक स्पेशल ऑफिस क्रिएट किया जिसका नाम था ग्रह रितिया, ठीक है। तो ये आ सकता है क्वेश्चन में कि एक अवंती वर्मन ने, सॉरी शक्ति शंकर वर्मन ने कौन सा एक स्पेशल ऑफिस जो था वो क्रिएट किया। ओके, तो शंकर वर्मन के बाद उनकी जो वाइफ थी सुगंधा, वो गद्दी पे बैठी और बेसिकली फाइनली उनको डिस्पोज कर दिया गया, ठीक है, मतलब उनको तो ऐसे ही हटा दिया गया। तो इस तरह से जो लास्ट रूलर था उत्पला डायनेस्टी का वो थे सूरा वर्मन। और सूरा वर्मन को उनके कमांडर इन चीफ ने भगा दिया, ठीक है, इन 939 AD में। और फिर उसके बाद इस स्टेज में क्या हुआ, एक काउंसिल ऑफ ब्राह्मण जो थे उन्होंने जशकरा देव को गद्दी पे बिठाया और इस तरह से उत्पाला डायनेस्टी का एंड हो गया। अब उत्पाला डायनेस्टी के बाद बात आती है ब्राह्मणिक रूल की, ठीक है। तो इनका जो टाइमिंग पीरियड था मतलब रूलिंग पीरियड था वो था 939 AD से लेकर 948 AD तक ब्राह्मणिक रूल रहा, ठीक है। मतलब जैसे ही, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले जो सूरावर्मन थे उनको उनके मिनिस्टर ने भगा दिया, कमांडर इन चीफ ने भगा दिया, फिर उसके बाद मतलब एक काउंसिल थी ब्राह्मण्स की, तो उन्होंने जशकरा देव को थ्रोन पे बिठाया। तो फाइनली जो ब्राह्मण किंग थे जशकरा देव, इन्होंने कश्मीर में रूल किया अबाउट 9 ईयर्स, 9 साल तक। और इनके मतलब रूलिंग पीरियड में बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा शांति थी।
ओके सो फाइनली क्या हुआ कि उस टाइम पे जितने भी इंटरनल ट्रबल्स थे, सिविल वॉर वगैरह जो थी वो उस टाइम पे नहीं हो रही थी। सो जैसे ही इनका रिजीम ख़त्म हुआ, इनका टाइमिंग पीरियड ख़त्म हुआ, तो उसके बाद वो फिर से जो कंट्री थी वो उस दुख में फिर से चली गई। और देन इनके इनके जशकरा देव की डेथ के बाद इनका जो बेटे थे संग्राम, वो गद्दी पे बैठे। और जब वो बैठे तो बेसिकली फिर उनका मर्डर कर दिया गया। एक पावरफुल स्कीमी मिनिस्टर था प्रभु गुप्ता, इसने संग्राम को मारा और फिर गद्दी पे बैठ गई। देखो ये आपको भी पता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, बस यही था कि जो ऊपर है नीचे वाला अगर किसी उसको मरवा दे तो वो खुद राजा बन जाए, ठीक है, यही चीज़ें होती थी उस टाइम पे। तो इस तरह से ब्राह्मणिक रूल जो था वो एंड हुआ और प्रभु गुप्ता ने उनकी डेथ की थी, उनका मर्डर करवाया था। तो फाइनली फिर वो गद्दी पे बैठा और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी जो थी वो स्टार्ट हुई। तो गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत 948 AD से लेकर 1003 AD तक रहा। और नेक्स्ट अब बात करें प्रभु गुप्ता जो थे वो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, ये बता दिया मैंने आपको। सो बेसिकली उसने अपना करियर एक लोअर क्लर्क के रूप में स्टार्ट किया था, ठीक है, और फिर दत्त संग्राम के मर्डर के बाद 1949 में उस वो गद्दी पे बैठा फिर, ठीक है, और उसने ऑलमोस्ट 2 साल तक रूल किया। उसकी डेथ हुई थी 950 AD में। और फिर उसके बाद उनके बेटे मतलब प्रभु गुप्ता के बेटे श्यामा गुप्ता जो थे वो गद्दी पे बैठे। तो गुप्ता डायनेस्टी ने अराउंड 50 साल तक रूल किया। और प्रभु गुप्ता ने को सक्सीड किया श्यामा गुप्ता, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और फिर श्यामा गुप्ता जो थे इन्होंने डीडा के साथ मैरिज की, और डीडा जो थी वो श्याम राजा जो कि लोहारा डायनेस्टी के राजा थे उसकी बेटी के साथ शादी की, ठीक है। और डीडा ने फिर उसके बाद डीडा ने मतलब जो भी कश्मीर की हिस्टोरिकल सीन को उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। सो बेसिकली क्या हुआ कि जो श्यामा गुप्ता थे उसका प्रभु गुप्ता के बेटे, वो बहुत ही ओप्रेसिव और यू कैन से मतलब कोई काम का बंदा नहीं था, ही वॉज नॉट एन एक्टिव रूलर। तो फिर उसकी जगह मतलब डीडा जो उसकी वाइफ थी इसने रूलिंग करना शुरू किया, ठीक है। तो मतलब उसका जो हस्बैंड था वो सिर्फ एक कठपुतली थी उसके हाथ की, जस्ट पपट इन हर हैंड। सो एक निकनेम भी दिया गया था उनको, डीड की माँ, ठीक है। तो डीडा रानी ने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ डीडा रानी ने इन्फ्लुएंस किया था हिस्टोरिकल सीन, कश्मीर की हिस्टोरिकल सीन को उस टाइम पे, पहले रानी बन के, देन उसके बाद क्यून बन के, देन उसके बाद मदर बन के, और अल्टीमेटली रूलर बन के। मतलब क्या कि श्याम गुप्ता की डेथ के बाद अभिमन्यु उनका बेटा वो गद्दी पे बैठा, ठीक है। फिर श्याम गुप्ता की डेथ हुई थी 958 में, तो उसके बाद उनका जो यंग सन था अभिमन्यु वो गद्दी पे बैठा। तो अब वो यंग था सो दैट्स वाई डीडा जो थी वो रीजेंट बन के मतलब संभाल रही थी, शासनकारी बन के। तो फिर उसके बाद अभिमन्यु की डेथ के बाद 1972 में उसने सेम इसी तरह से ऑफिस जो था वो परफॉर्म किया अपने बाकी बेटों के लिए, नंदी गुप्ता हो गया मतलब भीमा गुप्ता हो गया, इन सब के लिए। तो फाइनली क्या किया इसने, इन सबको भी मरवा दिया, ठीक है। जब ये सारे मर गए तो ये फाइनली फिर एज अ रूलर मतलब फुल फ्लेज रूलर बन के बैठ गई, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, जब लास्ट के दिनों में जब इसकी डेथ हुई तो इसने अपने ब्रदर के बेटे जिसका नाम था संगम राजा, ठीक है, उसको इसने गद्दी पे बिठाया। तो इस तरह से अब आपको जैसे मैंने बताया कि ये लोहारा डायनेस्टी के जो राजा थे उसकी बेटी थी, तो ऑब्वियसली जब इसने अपनी ब्रदर के बेटे को अपने जगह पे अपनी गद्दी पे बिठाया तो गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो गई, देन उसके बाद लोहारा डायनेस्टी जो थी उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अब बात आती है लोहारा डायनेस्टी की। तो लोहारा डायनेस्टी का जो स्टार्टअप था वो 1003 AD से लेकर 1171 AD तक रहा, और इसमें अराउंड 14 राज्यों ने 14 किंग्स थे, ठीक है, जिन्होंने रूल किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटेबल जितने भी किंग्स थे उनकी अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपका आ गया कलाशा, देन उसके बाद हर्षा, सुशीला, जयसीमा। जयसीमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके रिजीन में, इनके टाइम पीरियड में कल्हाना ने राजतरंगिनी को लिखा था। कल्हाना एक ऑथर है और इन्होंने बुक लिखी थी राजतरंगिनी। और ये जितना भी आप हिस्ट्री ऑफ जम्मू या कश्मीर या सभी कुछ पढ़ रहे हो बेसिकली ये वहीं से टेक्स्ट लिया गया, ठीक है।
तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि कल्हाना ने किन के रिजेन में राजतरंगिणी को लिखा था, तो वो थे जयसिम्हा। ओके, सो फाइनल लिखा है कि उत्पाला डायनेस्टी के बाद जो किंगडम था वो वर्चुअली रिड्यूस हो गया एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटी में, एंड उसके बाद लाहौर डायनेस्टी अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि एक हर्षा ही एक ऐसे लास्ट किंग थे लाहौर डायनेस्टी के जिनकी एक स्ट्राइकिंग पर्सनैलिटी थी। लेकिन ये बंदा जो था ना, ये बेसिकली मतलब सिर्फ खर्च करने वाला इंसान था। इस बंदे ने अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए इतना खर्च किया कि जितना भी रॉयल ट्रेजरी में पैसा था वो सबको वेस्ट कर लिया, ठीक है। और हर्षा के बाद इनके ब्रदर उचाला उसने डिस्प्ले किया, मतलब इनको डिस्प्लेस कर दिया, इनको मरवा दिया विद द हेल्प ऑफ धर्मास, ठीक है। तो उसके बाद जो उचाला थे वो बेसिकली बिलोंग करते थे अनदर लाइन ऑफ लोहारास, मतलब लोहार डायनेस्टी में भी मे बी दो डायनेस्टीज होंगी या दो रूलिंग पीरियड होंगे, तो ये इनका जो ब्रदर थे उचाला ये दूसरी लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो दैट्स वाई यहाँ से इन्होंने सेकेंड लोहारा डायनेस्टी को फाउंड किया, ठीक है। बट हुआ क्या, उचाला को भी कुछ लोगों ने, कुछ देशद्रोहियों ने मरवा दिया, और फिर उसके बाद सुशाल्स जो हैं वो गद्दी पे बैठे, ठीक है। और फाइनली जो मतलब जितने भी राइट्स थे पैलेस राइट्स थे उस टाइम पे जो हो रहे थे वो कंटिन्यू रहे इन दी और रिजीन ऑफ जयसिम्हा सन ऑफ सुशीला, मतलब सुशीला की डेथ के बाद जयसिम्हा जो कि उनके बेटे थे वो गद्दी पे बैठे, और कल्हाना ने राजतरंगिणी लिखी, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्यूरिंग रीजन ऑफ संग्रामा मोहम्मद गजनी ने इन्वेड किया था सेकेंड कैंपेन अगेन कश्मीर, ठीक है। मतलब मोहम्मद गजनी की सेकेंड कैंपेन थी कश्मीर में, लेकिन वो वापिस चला गया ड्यू टू विंटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आते हैं कि मोहम्मद गजनी की जो सेकेंड कैंपेन थी वो किन के टाइम पीरियड में थी, वो थे संग्राम। ओके, सो लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी वॉज वनिता देव, जिसकी डेथ हुई थी 1171 AD में। ओके, सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो ये एक पार्ट फर्स्ट है, अभी ये पार्ट फर्स्ट है, और नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसके लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।